यहाँ से देखो व्यू यार, पूरा लेह सिटी दिख रहा है उधर पे। ओके दिस इज लद्दाख की किचन चांगशा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई मैं हूँ अभी ये डॉर्मेट्री में, यहाँ पे इस तरीके के बेड्स लगे, मैं इधर सोया था, बाकी जो है अपना चार्ज उधर कर रहा था मोबाइल, और नीचे जो है ये तोगो चाय गेस्ट हाउस में उधर पे रूम है अपने जो गोवा वाले बंदे हैं, वहाँ मैंने सामान रखा है, बाइक मेरी नीचे है। और काफ़ी तेज़ धूप आ रखी है इधर यार, काफ़ी तेज। सुबह उठ गया था 4:30 बजे, खारदुंगला जाने की सोचा था बट आज नहीं गया, बिकॉज वीडियो एडिटिंग, बहुत सारे कपड़े वपड़े धोना, ये सब बहुत सारा काम था तो सब कंप्लीट किया। अभी मैं जो हूँ अपने भाई अंकित पांडे जी, photopandit.com वाले भाई आने वाले हैं तो उनसे मिलते हैं, तो अपने साथ के जो बंदे आते हैं तो उनसे मिलके यार काफ़ी खुशी होती है, तो अभी उनसे मिलते हैं, उनका वेट कर रहा हूँ, वो आते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं। मतलब अभी कहीं जाना भी है मुझे तो कुछ दिखाता हूँ आपको, मतलब कुछ स्पेशल था आज। सो गाइज, दिस इज द मार्केट ऑफ ले, और मैं बस स्टैंड के पास से आपको कल दिखा दिया था, तो वो देखो सामने पहाड़ यार, क्या मस्त है। अभी व्यू तो काफ़ी मस्त लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में धूप ना जानलेवा बन जाएगी। और ये हमारे भैया जी पहुंच चुके हैं जम्मू कश्मीर की बाइक लेके। अंकित भाई कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया, बैठो बैठो। तो भैया के संग आज बहुत दिनों बाद बाइक में बैठ रहा हूँ यार, 1 महीने बाद। हाँ बड़ा आराम होता है यार बाइक में। वेल दोस्तों, ये है चांसपा रोड और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी शांति स्तूपा के लिए। और इससे पहले हमने जो ब्रेकफास्ट किया था, अगर आप लोग चीप ईट्स ढूंढ रहे हैं ना इधर लद्दाख में, तो द पराठा करके है वहाँ, गूगल मैप से अवेलेबल है, सर्च करना मिल जाएगा, टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। और मैं कल से ढूंढ रहा था, सर्च किया एक दो जगह, मिला नहीं कुछ, बट अभी अंकित भाई ने हमें बताया है कि यहाँ पर बढ़िया। और मैंने खा के भी देखा, अंकित भाई ने पराठे जो है ऑर्डर किए थे चीज़ वाले, तो 200 रुपये में हम दोनों ने खा लिया था, चाय वाय सब कुछ ना। तो अभी सामने जो है उधर है शांति स्तूपा, चल के दिखाते हैं आपको। और ये वाला जो रोड है ना काफ़ी फेमस हुआ करता था, मतलब अभी ये भी अंकित भाई की इन्फॉर्मेशन मिली मेरे को, और अभी दिख भी रहा है यहाँ पे काफ़ी, मतलब फॉरनर्स वगैरह इधर पे घूम रहे हैं। तो अभी चलते हैं सीधे शांति स्तूपा में, आपको दिखाते हैं उधर क्या है भाई। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं शांति स्तूपा, और इधर पहले जो था कोई टिकट नहीं था, लेकिन आज है ना टिकट देना पड़ेगा, कितना 20 रुपये, 30 रुपये पर पर्सन। ऊपर कैमरा अलाउड है? हाँ सब अलाउड है। दो, थैंक यू। तो भाई ये है शांति स्तूपा का टिकट। और नीचे देखो पूरा लेह सिटी, लेह सिटी है ना। सो गाइस, ये था मेडिटेशन हॉल यहाँ का, यहाँ पे मेडिटेशन है, और लिखा तो यहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। देखते हैं कहाँ पे छीनते हैं मुझे गोप्रो, उसके बाद सब डिलीट, और फिर आप नहीं देख पाओगे। और यहाँ से देखो भाई पूरा व्यू दिख रहा है सिटी का भाई, ज़बरदस्त। तो दोस्तों ये रहा शांति स्तूपा, काफ़ी मस्त जगह है, यहाँ से देखो व्यू यार, पूरा लेह सिटी दिख रहा है, उधर पे एयरपोर्ट है, एयर स्ट्रिप भी दिख रहा है, और वो देखो सामने क्या है, स्टॉक कांगड़ी, उधर जहाँ बर्फ़ दिख रही है उस साइड, और उसके पार है जंसकार ना, तो उसके पास जंसकार है, आपको जंसकार जाना है तो आप यहाँ से बस टेक ऑफ करो और पार निकल जाओ। अगर मेरे पास अभी ग्लाइडर होता तो मैं यहाँ से निकल जाता ऊपर ही ऊपर। और ये कौन सा ऊपर वाला जो दिख रहा है ऊपर, सैमो मोनेस्ट्री, सैमो मोनेस्ट्री। और इधर ले पैलेस,
लेकर आ जाएगा। हाँ वो भी है जो रास्ते मैंने कल दिखाया था, बट उधर चलेंगे कभी और। और यहाँ चढ़ना है भाई खारदुंगला, वो दिख रही है आपको, वो रोड जा रही है उधर से, वो गोवा वाला बंदा गया उधर से, वो रोड कटी हुई दिख रही है मेरे को। 39 किलोमीटर है, कल सुबह दिखाऊंगा आपको खारदुंगला अच्छे से। आसमानों की ऊंचाइयों को छू रहा है भाई ये। सबसे मस्त चीज़ बस ये लग रही है मेरे को यहाँ पे, स्काई एकदम ब्लू दिख रहा है मस्त। एक यहाँ पे हर चीज़ में आपको एक गोल्डन कलर दिख जाएगा, कहीं भी देख लो भाई गोल्डन कलर से बना रखा है हर चीज़ को। लग भी बढ़िया रहा है, वाइट गोल्डन। अच्छा इससे ऊपर चढ़ सकते हैं अभी, अभी देखो हम और ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ से क्या नज़ारा देखने को मिलेगा। ये शायद यहाँ पे बर्थ दिखा रहा है लॉर्ड बुद्धा का, है ना। और ये अलग अलग पोजीशन से सब मेडिटेट करते हुए, डिफीटिंग द डेविल्स यहाँ पे बना हुआ है। ये ऊपर से डेविल्स दिख रहे हैं, ये सब मतलब मेडिटेशन के थ्रू कर रहे हैं डिफीटिंग सब कुछ, लड़ाई वड़ाई नॉन वायलेंस चल रहा है भाई। तो कैसा लगा आपको, मज़ा आ रहा है शांति स्तूपा में? कभी भी आओ तो इधर पे विजिट ज़रूर करना, कुछ अलग सी वाइब्स हैं यहाँ की। तो भाई ये था शांति स्तूपा और हम लोग यहाँ से निकल गए अभी, और आगे पता नहीं कहाँ जाना है हमने, मंजिल का कुछ पता नहीं है भाई। और जब तक मंजिल का पता होता है तो मज़ा भी नहीं आता है, क्योंकि जैसे मुझे पता था मेरी मंजिल है लद्दाख में पहुँच गया, उसके बाद में मज़ा ही नहीं आ रहा। अभी अंकित मिला तो थोड़ा मज़ा आ रहा है। तो भाई अभी हम लोग जाने वाले हैं ना, खतरनाक हॉन्टेड स्तूपा है थिसुर स्तूपा, देख रहे हो आप, टूटी फूटी बिल्डिंग है अजीब सी यार, क्या ही होगी इसकी कहानी। तो भाई ये है लद्दाख का मतलब जो ट्रेडिशनल स्टाइल का घर होता है ना वो, और ऊपर से देखो कुत्ता देख रहा है। लकड़ी की छत है पूरी, मिट्टी भरी है इसके ऊपर। ओके दिस इज लद्दाख की किचन चांगशा, सब लकड़ी से बना रखा है, लकड़ी तो यहाँ होती नहीं, लाते कहाँ से होंगे इतनी। यहाँ भी सभी बना रखा है, ये क्या रहता है यार, बैज टाइप का। वुडन स्टेयर्स, तो ये अंकित भाई का राजमहल। बाहर से दिखाओ कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है यार, ये तो एक कमरा है इनका, वो तो घर में पूरा दिखाई दिया है। वैसे भी सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं भाई, और बीच वाले कमरे में कुछ अलग सा बना है लकड़ी का डिज़ाइन। यहाँ पे सब लकड़ी के डिज़ाइन बना है बहुत ज़्यादा। और ये देखो पूरी छत लकड़ी की है, इसके नीचे ऊपर भी मिलती है, शूट कर रहा है। अच्छा भाई के तुम वीडियोस देखना भाई, इनके अंकित पांडे जी का जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर, क्या है तुम्हारा हैंडल बताओ? ankit.pandey.ap। हाँ तो आई विल गिव यू द लिंक ऑल्सो, तो उसमें देखना आप, मस्त अभी मेरे को दिखाया था, बड़ा मस्त लग रहा था व्यू। और भी भाई ने वीडियो बहुत तगड़े तगड़े डाले हैं यार, पता नहीं इंस्टाग्राम का कैसा है एल्गोरिथम, रीच उतनी नहीं है लेकिन मतलब लाखों में जाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी और कुछ दिखाए थे भाई ने वीडियोस, भाई मज़ा आ गया वो देख के, तो बाकी डालेगा भाई तो शेयर कर देंगे अपन भी, देखना सब। तो भाई ऊपर सामने जो ग्लेशियर दिख रहे हैं ना, वहाँ से ये बर्फ़ का पानी आ रहा है बह के, ओ भाई बड़ा ठंडा है, चिल है एकदम। धूप में यहाँ पे नहाने का मज़ा कुछ और ही रहेगा, अंकित भाई यहीं नहाते हैं। देखना है इनको अगर नहाते हुए तो यहीं देख लेना, लेकिन 18 दिन में एक बार नहाएंगे। 18 दिन में तीन बार। तो
भाई ये रहा लेह का एयरपोर्ट। अगर आपके पास कुछ पैसे होंगे ना तो फ्लाइट से आना इधर, फ्लाइट से इधर स्पाइस जेट की फ्लाइट खड़ी उधर। दोस्तों पहुंच गए हॉल ऑफ फेम और रात को यहाँ पे होता है शो, जबरदस्त वाला दिख रहे ना आपको सारे आर्मी के इक्विपमेंट्स। भाई ये वो जगह है जहाँ पे अगर हम लोग रुक गए ना तो हमें घुसपैठी समझ के गोली मार दी जाएगी। यहाँ पे साफ साफ वार्निंग दी है, तो आप लोग भी यहाँ पे आओगे तो रुकना मत, ये तो पड़ेगी कहाँ से गोली आई कहाँ से पता नहीं लगेगा। और यहाँ पे नो ड्रोन जोन भी है, ड्रोन तो वैसे इधर कहीं उड़ाना भी मत क्योंकि पूरा इंडियन आर्मी का ही एरिया है, गोली पड़ने में टाइम लगेगा। सेना स्टेशन ले पहुंच गए हैं भाई, मजा आ गया यार। हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, जेट रखा हुआ है, पता नहीं कौन सा पुराने टाइम का है लेकिन। और एक और मोनेस्ट्री है सामने, अभी इसके ऊपर चढ़ के हम लोग आपको दिखाएंगे यहाँ से कैसा व्यू है भाई, जबरदस्त। और एक फ्लाइट आ रही पता नहीं कहाँ से, आवाज आ रही है। तो गाइज हम लोग देखो कितनी ऊंचाई पे आ गए, उधर सामने आपको दिख रहा है एयरपोर्ट और ये है अपनी स्पीतुक मोनेस्ट्री। यहाँ पे जितनी मोनेस्ट्रीज है ना सारी हाइट पे बनी हुई है। और पीछे देखो आप, इंदस रिवर बह रही है जिसको सिंधु नदी भी बोलते हैं, भारत की काफ़ी प्राचीन नदी है। और इसकी सिविलाइजेशन के बारे में पहले ही बताया था मैंने आपको कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है इसी के बैंक्स पे थे सिचुएटेड, तो यहाँ पे बहुत पुरानी सिविलाइजेशन होगी। और उधर देखो वो है एयरपोर्ट, यार बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ एयर स्ट्रिप कितना छोटा है। Let's run. वो देखो यहाँ पे पायलट जो है काफी एक्सपर्टाइज चाहिए क्योंकि छोटी सी एयर स्ट्रिप है, उस पर लैंड कराना है आपको, बस इतना सा एयर स्ट्रिप है। बाकी यार अभी अगर अंकित नहीं आता तो मैं यहाँ पे नहीं आ पाता, मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन सी जगह आता, अभी तो मुझे काफी टाइम लगता मतलब एक एक जगह को एक्सप्लोर करने में। तो हमारे अंकित पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये मुश्किल से हमें 2 घंटे हो रहे हैं, 2 घंटे में हमने भाई 2 मोनेस्ट्रीज और पूरा मार्केट वार्केट सब कहाँ कहाँ से रोडें कनेक्टेड हैं सब देख लिया। फिलहाल यहाँ पे अंकित भाई ने एक शॉट लिया जो कि आपको देखने को मिलेगा इनके इंस्टाग्राम रील्स में, देखना बड़ा ज़बरदस्त है, कुछ रिलेटेड है उससे तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो भाई हम लोग आ रहे हैं अभी स्पीतुक मोनेस्ट्री से, और ये ना काफ़ी मस्ती जगह है बट अनएक्सप्लोर्ड टाइप की है, तो लोग यहाँ आते नहीं है। तो अगर आप अगली बार आते हैं तो स्पीतुक जरूर आना, वो आपको क्या नज़ारा देखने को मिलेगा पूरी एयर स्ट्रिप का। और आप अगर देखना चाहते हैं फ्लाइट्स को उड़ते हुए अपने सर के ऊपर से ना, तो वो वाला एक्सपीरियंस आपको इधर ही मिलेगा देखने को। सो दोस्तों सुबह से अंकित भाई के साथ घूम रहे थे, सारी मोनेस्ट्रीज आसपास की घूम गए, अभी हमको अपने भाई मिले हैं। ये क्या नाम है आपका? केसर। केसर भाई, ये अपने जो हॉस्टल वाला जो रूम लिया है ना हमने वहीं पे मिले थे, तो इनका नेट पैक ख़त्म हो गया, अभी इन्होंने ऐड ऑन करा लिया है। अब हमको किधर जाना है खाना खाने के लिए? दीदी का होटल, इनकी दीदी का होटल है तो उधर ही चलते हैं। आप लोग भी आओगे तो उधर ही खाना, मैं आपको दिखाता हूँ अभी चले। तो भाई हम आ गए हैं केसर भाई के दीदी के होटल में, और इधर पे है ये देख लो आप, ये स्क्वायर टाइप का है, अंदर मेन रोड से आप यहाँ से अंदर घुसोगे ये मेन हाईवे है, और यहाँ पे आ जाएंगे। और ये है दीदी, और इधर बन रहा है भाई खाना मस्त वाला, अभी हम लोग खाएंगे आपको भी दिखाएंगे, और खाना होगा तो आप लोग आ जाइएगा आपको भी खिला देंगे। क्या क्या बनाते हो दीदी आप? यहाँ पे बनता है मीट चावल, पोटी चावल, सब्जी, दाल, रोटी, चावल सब, सुबह ब्रेकफास्ट पे परोठा। अच्छा सुबह परोठा बनता है, काय काय का परोठा बनता है? आलू परोठा, यहाँ सादा ही चलता है। अच्छा सादा आलू परोठा, कितने का देते हो आप? 50 रुपीस, दाल दही सब्जी के साथ। सबके साथ, सबके साथ। बढ़िया है, अच्छा ज्यादा महंगा भी नहीं है उधर, तो आप मार्केट में घूमोगे ना आपको बहुत ही महंगा मिलेगा, तो यहीं पे आके खा लेना भाई, होगा भी एकदम फ्रेश ताजा, क्योंकि बड़े जो रेस्टोरेंट रहते हैं ना उधर बासी खिलाते हैं, तो आपको खाना इधर आके मस्त एकदम। तो अपने जितने भी देखने वाले हैं पक्का इधर ही आना, ठीक है जो भी आएगा। तो दोस्तों हम लोग खाना खा के आ गए भाई और मैं, बढ़िया एकदम मस्त। अभी फिलहाल सोते, इस वीडियो को एंड कर देंगे, मिलते हैं आपसे एक बढ़िया से नए वीडियो में।
कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस।